राजस्थान प्रदेश में हर चौथे साल को अकाल माना जाता है। ऐसे में यहाँ की कृषि में पशुपालन का बहुत बड़ा महत्व है। पशु अकाल जैसी परिस्थितियों में भी रेगिस्तानी वनस्पति को खाकर अपना पेट भर लेते हैं। वर्षों से यहाँ के किसान भेड़ बकरी का पालन करते आए हैं। आज भी बड़े पैमाने पर भेड़ व बकरी का पालन पश्चिमी राजस्थान के गांवों में आजीविका का माध्यम है। विषम परिस्थितियों में भी जहां एक ओर भेड़ बकरियां किसानों के जीविकोपार्जन में सहायक है, वहीं किसानों के इन पशुओं को पालन में अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पारंपरिक रूप से भेड़ बकरियों को चारा कुंडियों अथवा तिरपाल आदि बिछाकर खिलाया जाता है। इनके एक साथ ही ज्यादा भेड़ बकरियों को चारा खिलाने से भेड़ बकरियां एक दूसरे के ऊपर चढ़कर चारे को खराब कर देती है और बहुत सा चारा व्यर्थ हो जाता है। इस प्रकार भेड़ बकरियों को संतुलित चारा नहीं मिल पाता है। बकरियां अधिक संख्या में होने पर आवश्यकता अनुसार चारा नहीं खा पाती है और चारों के लिए आपस में लड़ाई करने लगती है। वह कमजोर बकरियां चारा नहीं खा पाती है। किसानों की इस समस्या को ध्यान में रखकर भेड़ बकरियों को चारा या बांटा खिलाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित एवं काजरी संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित कृषक फर्स्ट कार्यक्रम के तहत ओपावास पंचायत के गांवों में भेड़ बकरियों को चराने के लिए उन्नत मेंजर का प्रदर्शन किया गया। उन्नत मेंजर से पशुओं को चारा व बांट खिलाना एक प्रभावशाली तकनीक साबित हुई है। इन उन्नत मेंजर के प्रयोग के पश्चात पशुपालकों ने अपने अनुभव से बताया कि चारे की बचत तो हुई है, साथ ही पशुओं के स्वास्थ्य में भी सुधार आया है। ये हमारे ढोलता नहीं है, गिराता नहीं है, बहुत बढ़िया है, काजरी से मिला है हमारे को। तो पहले जैसे बकरियां चारा खाती थी उसमें इसमें फर्क नजर आ रहा है आपको? फर्क नजर आ रहा सर। तो ये अच्छी चीज है आपके लिए? ये बढ़िया लिया हमारे लिए। मेंजर जी आई शीट लोहे की एंगल व छड़ का बना होता है। वह 7 से 10 बकरियों के लिए उसकी ऊंचाई 2 फीट, चौड़ाई 11 इंच, लंबाई 3 से 5 फीट तथा गहराई 12 इंच के लगभग होती है। बकरियों की संख्या व उम्र के आधार पर उसकी लंबाई कम या ज्यादा रखी जा सकती है। मेंजर के प्रयोग से 20% तक चारे की बचत होती है।